अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे एक नया ऑप्शन बनाया है मैंने, जो है रिपेयर, एटम रिपेयर। तो इसमें है कि ये एटम रिपेयर है, यहाँ पे हम जो भी एटम, जैसे कोई लैपटॉप है या कोई माउस है, हेडफोन है, कोई मोबाइल है, तो वो रिपेयर होते हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। जैसे एम्प्लॉई हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई हम सिलेक्ट करते हैं, हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद वेंडर किससे हम रिपेयर करवा रहे हैं, और उसके बाद हम क्या रिपेयर करवाना चाह रहे हैं, हम कोई मोबाइल रिपेयर करवाना चाह रहे हैं या कोई लैपटॉप रिपेयर, और वो है टाइप है लैपटॉप। उसके बाद क्वांटिटी है 1, और डिपार्टमेंट कौन सा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कौन सी डेट है, आज की डेट है, इस पे खर्चा कितना हो रहा है 1000, और उसमें क्या क्या मसला है, तो उसकी पूरी डिटेल डालनी होगी। ऑल अबाउट सम प्रॉब्लम सिस्टम ऐड करेंगे, ऐड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऐड हो गया। तो यहाँ पे आएंगे, हमने एक फाइल बनाई है रिपेयर एटम्स, ये है। यहाँ पे हमने कुछ ये कम्बो बॉक्स बनाए हुए हैं, जिसमें वेंडर के कम्बो बॉक्स आ रहा है, और एक एम्प्लॉयज का कम्बो बॉक्स आ रहा है, जो उसके बाद कैटेगरी वगैरह आ रही है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिफाइन कर दी हैं। उसके बाद इसी में हमने ये टेम्पलेट कॉल करवाया, यहाँ है टेम्पलेट रिपेयर एटम्स। इस टेम्पलेट में हमने ये फंक्शन कॉल करवाया है कि जैसे कि ये पूरा फॉर्म बना हुआ आ रहा है, जैसे हम डेटा भेज रहे हैं HTML का, ये एम्प्लॉई का कॉम्बो बॉक्स, ये रिपेयर बाय जो भी वेंडर वगैरह है, आइटम नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, तो ये पूरी HTML। यहाँ हम एक एक्शन फाइल बनाई हमने, उसमें हम गेट कर रहे हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ हम गेट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको एंट्री करें एड डेटा, जब हमारा चेक ये इंसर्ट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और एंट्री होने के बाद हमें रिटर्न 1 कर देगा, और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे यहाँ पे हम अगर विन रिटर्न 1 कर रहा है इसमें, तो हमें मैसेज देंगे एड सक्सेसफुली। तो ये था पूरा प्रोसीजर, एक नया ऑप्शन रिपेयर एटम, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। थैंक यू।